पार्टी वर्कर से मिल रहा हूँ। अच्छा। और संगठन को मजबूत बनाने के लिए उन सबको तैयार सर, आने वाली 25 तारीख को आपकी रैली है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आपको निमंत्रण दे रहा हूँ कि आप सारे 25 को धन्यवाद सर, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप फोन दे धन्यवाद सर। आने वाले नगर निगम चुनाव में आप इनेलो पार्टी को कहाँ पर देखते हैं? जो पीछे कुछ चुनाव हुए हैं उनके परिणामों से आपने कोई अंदाजा किया? सत्ता पक्ष का तो दिवाला पेश रहा, हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और हमें लोगों की तरफ से पूरा सहयोग और समर्थन मिल रहा है। फैजाबाद के हालात को लेकर क्या कहेंगे आप? नगर निगम में 200 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ, क्या कहेंगे? एक ही घोटाला हुआ है, सुर्खियों में हुई है, सरकारी घोटाले सुर्खियों में चल रहा है फरीदाबाद में, सरकार ही घोटाले की। आप फरीदाबाद के एक घोटाले की बात कर रहे हैं, बदकिस्मती हमारी ये है कुछ लुटेरे वर्ग के लोगों का दाव लग गया, वो आज सत्ता में आ गए और वो दोनों हाथों से प्रदेश की और देश की दौलत को लूट रहे हैं। सर, इनेलो की पार्टी किस तरीके से जागरूकता फैलाएगी पब्लिक में, क्योंकि एक तरीके से जनसत्ता में खत्म होती नजर आ रही है, इनेलो जो पार्टी है वो किस तरीके से जागरूकता फैलाएगी, लोग क्या रणनीतियां रहेंगी? आज मेरे कहने की जरूरत नहीं जी, उर्दू का एक मुहावरा है, आवाज एक अलग नकारा एक खुदा जी। सर थोड़ा माइक नीचे करना। आज आम आदमी की जबान पे एक बात है, आने वाले चुनाव में इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की सरकार बनेगी जी। सर किसान कहीं नाराजगी बढ़ नहीं जा रही है, उनके साथ सरकार जाती कर रही है, इससे लोग परेशान हो चुके हैं। सर स्कूलों को लेकर क्या कहेंगे? इसलिए कर रहे हैं, अध्यापक नहीं है स्कूल में, ये स्कूल इसलिए बंद कर रहे हैं ताकि लोगों में राजनीतिक सूझबूझ ना आए। तो क्या अनपढ़ रखना चाहती है बच्चों को हरियाणा सरकार? प्रत्यक्ष में भी प्रमाण की जरूरत है क्या?